मीरपुर खास में मेडिकल कॉलेज 2.98 अरब के बजट से 2012 में आसिफ जरदारी साहब जब सदर थे, पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, 2.98 अरब की लागत से इस मेडिकल कॉलेज का अफ्ताह किया गया था। 2 अरब से ज़्यादा इस पर खर्च आ चुके हैं, लेकिन इस वक्त सिर्फ एक ढांचा है, इस वक्त सिर्फ ये कंक्रीट है। इसमें से मैं समझता हूँ 2 अरब जो खर्चा है, 1 अरब रुपए ये खा चुके हैं। आज मीरपुर खास चूँकि थरपारकर, उमरकोट, सारे पूर्व जवाहर, खिपरोस, आगढ़, सबके बच्चे यहाँ पढ़ने थे, सिंध के बच्चे पढ़ने थे, लेकिन इन्होंने कॉलेज को एक ढांचा बना के छोड़ दिया, एक जनाजा बना के छोड़ दिया। इन्हें 18वीं तरमीम चाहिए, माल खपे इनको, पैसा चाहिए इनको। अब पैसा चाहो तो लगाओ, हम 18वीं तरमीम के खिलाफ नहीं है, हम बेनकाब करना चाहते हैं कि इन्हें करप्शन लूट मार के लिए चाहिए। मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो 2 अरब रुपए लगे, 2.98 अरब का प्रोजेक्ट, 2 अरब से ज्यादा खर्च हो चुके, आज तक 8 साल हो, 2015 में तब बनना था, हुकूमत भी तुम्हारी, इख्तियार भी तुम्हारा, हेल्थ मिनिस्ट्री भी तुम्हारी, सईद तनी साहब असेंबली में तकरीरें बड़ी बड़ी करते हैं, वजीर आला साहब बड़ी बड़ी तकरीर करते हैं। मैं इसलिए कहता हूँ ये एक सिंध दुश्मन पार्टी है, पीपल्स पार्टी सिंध की गद्दार पार्टी है। पीपल्स पार्टी के दौर में ना स्कूल बन रहे हैं, ना कॉलेज बन रहे हैं, ना अस्पताल बन रहे हैं, और इस चीज़ का सबूत है कि इन्होंने सिंध को खंडर बना दिया है। और सिंध में ये 18वीं तहरीर के जनाजे हमें जगह जगह नजर आते हैं, पूरा देखिए ये सारा, ये जो है एक मेडिकल कॉलेज है, और जिसके अभी तक ये 2012 से करने के बाद ये कंक्रीट पड़ी है, बजरी पड़ी है, रेती पड़ी है, और इसके अलावा कुछ भी नहीं।